गुड मॉर्निंग। आज हम रोमन नंबर के संबंध में बता रहे हैं। रोमन नंबर्स डिनोटेड बाय सेवन डिफरेंट वे, सेवन सात प्रकार से रोमन नंबर को लिखा जाता है, जैसे आई भी एक्स एल सी एंड डी। ये सात प्रकार पर रोमन नंबर लिखने के लिए आई भी एक्स एल सी एंड डी इसका हम प्रयोग करते हैं। इसी अंक से रोमन नंबर लिखा जाता है। पहला नियम है रोमन नंबर लिखने के लिए, रूल नंबर वन, रेपिटेशन ऑफ सिंबल्स मीन्स एडिशन ऑफ देयर वैल्यू। द नंबर्स I एंड X कैन बी रिटेन ए मैक्सिमम ऑफ थ्री टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है वन, वन को हम रोमन नंबर से I से डिनोट करते हैं, जैसे टू है, टू को हम रोमन नंबर में ऐसे डबल आई से डिनोट करते हैं, फाइव है, फाइव को रोमन नंबर में हम भी से डिनोट करते हैं, इसके बाद टेन है, टेन को रोमन नंबर में एक्स से डिनोट करते हैं, ट्वेंटी है, ट्वेंटी को रोमन नंबर में हम डबल एक्स से डिनोट करते हैं, थर्टी है, थर्टी को हम रोमन नंबर में ट्रिपल एक्स से डिनोट करते हैं। ये सिंबल जो है अधिकतम तीन बार ही यूज किया जाता है, तीन बार से ज्यादा हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड रूल में आता है, रूल नंबर सेकंड, व्हेन ए सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ ए बिगर सिंबल वी सब्ट्रैक्टेड देयर वैल्यूज टू फाइंड द रोमन नंबर्स। एज फॉर एग्जाम्पल फोर, फोर को हम लिख सकते हैं फाइव माइनस वन, इसको लिखा जाएगा वी माइनस वन, इस ये होगा रोमन नंबर में, इसका सिंबल होगा आई भी। इसके बाद फोर्टी, फोर्टी लिखना है, फोर्टी लिखने के लिए हम फिफ्टी माइनस टेन करते हैं, फिफ्टी माइनस टेन, फिफ्टी का सिंबल होता है एल, माइनस टेन का सिंबल होता है एक्स, इसको हम लिखेंगे एक्स एल, फोर्टी का सिंबल हो गया एक्स एल। नाइन्टी, नाइन्टी को लिखने के लिए हम हंड्रेड माइनस टेन लिखेंगे, हंड्रेड का सिंबल होता है सी, माइनस टेन का सिंबल होता है एक्स, इसको हम लिखेंगे एक्स सी। ये सेकंड रूल हुआ। रूल थर्ड, थर्ड में आता है व्हेन ए सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ ए बिगर सिंबल वी एड देयर वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल सिक्स, सिक्स को लिखने के लिए हम फाइव प्लस वन करेंगे, फाइव का सिंबल होता है वी प्लस वन का सिंबल होगा आर, ये हो जाएगा सिक्स का सिंबल। ठीक उसी प्रकार से हमको इलेवन लिखना है, इलेवन को लिख सकते हैं टेन प्लस वन, टेन का सिंबल होता है एक्स प्लस वन का सिंबल होता है आर, ये हो गया इलेवन। ये रूल नंबर थ्री है। रूल नंबर फोर, फोर के अंतर्गत व्हेन ए रोमन नंबर ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड बिटवीन टू रोमन नंबर ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सिंबल ऑन इट्स राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे पंद्रह को लिखना है,
पंद्रह लिखने के लिए हम लिखते हैं दस, टेन प्लस फाइव माइनस वन, ये हो जाएगा टेन प्लस फोर, इसी को लिखा जाएगा फोर्टीन और इसका सिंबल हो जाएगा टेन एक्स आई वी, इसका सिंबल हो जाएगा। इसके बाद रूल नंबर फाइव है द सिंबल कैन बी प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल वी एंड एक्स ओनली। सिक्स रूल है द सिंबल एक्स कैन बी प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल एल एंड सी ओनली। रूल नंबर सेवन द सिंबल सी कैन बी प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल डी एंड एम ओनली। हिंदू आदमी कुंडल में लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ हिंदू आर्मी कुंडल, हिंदू आर्मी कुंडल और यहाँ पर है रोमन कुंडल, रोमन कुंडल। वैसे सेवन हिंदू आर्मी कुंडल में है सेवन, सेवन को हम लिख सकते हैं फाइव प्लस टू, रोमन नंबर भी यही हो जाएगा फाइव प्लस भी, रोमन नंबर में फाइव को भी लिखते हैं प्लस टू को हम डबल आई से डिनोट करते हैं, इसी को लिखेंगे भी डबल आई। फिर उसी प्रकार से हमको चालीस लिखना है, चालीस लिखने के लिए हम लिखते हैं फिफ्टी माइनस टेन, फिफ्टी माइनस टेन, फिफ्टी को रोमन नंबर में लिखा जाता है एल, माइनस टेन को रोमन नंबर में लिखा जाता है एक्स, हो गया एक्स एल। ऐसे रोमन नंबर में 50 का हम प्रयोग करते हैं। 100 लिखना है रोमन नंबर में, 100 को रोमन नंबर में सी से डिनोट किया जाता है और मान लीजिए 200 लिखा जाएगा तो रोमन नंबर में ये हो जाएगा डबल सी। 169 लिखना है, 169 लिखने के लिए सबसे पहले इसको लिखा जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 9, 100 का सिंबल होता है C प्लस 50 का सिंबल होता है L प्लस 10 का सिंबल होता है एक्स प्लस इसमें 9 को भी हम दो पार्ट में बांटेंगे 5 प्लस 2, 5 का सिंबल होता है भी प्लस 4 का सिंबल होता है ऐसे, सब मिला करके हो जाएगा यहाँ पर रोमन नंबर में इसको लिखेंगे 169। एक्स सी ये ऐसे लिखेंगे एक्स सी एल एक्स आर एक्स 169 को हम इस ढंग से सिंबल में प्रयोग करेंगे। इसी नियम के तहत सारा सवाल से बनता है। एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन है राइट द रोमन नंबर्स फॉर ए में है 126 लिखने के लिए हम लिखेंगे सी डबल एक्स भी डबल आई। इसके बाद हमको 217 लिखना है 217 के लिए हम प्रयोग करेंगे डबल सी एक्स भी डबल आई, ये हो गया 217। इस तरह से हम रोमन नंबर में लिखते हैं। दूसरा नंबर में है
राइट द हिंदू वर्ल्ड नूडल्स फॉर, ये रोमन नंबर में दिया हुआ है, हिंदू अर्बिक नूमरल में लिखना है। जैसे ए में दिया हुआ है डबल सी एल एक्स बी वन, इसको हम रोमन नंबर में लिखेंगे। ये 100 हुआ, ये 100 हुआ, 100 और 200, 50 में 10 जुड़ जाएगा, 60 में 5 जुड़ जाएगा, 65 में 1 जुड़ जाएगा, 66 हो जाएगा 296। ठीक उसी प्रकार से आपको लिखना है सी में सी एक्स एल वी और आई, इसको लिखा जाएगा 146। ये दूसरा हो गया। तीसरा नंबर में है तुलना करना है, तीसरा नंबर तुमको आता है बड़ा छोटा और बराबर का चिन्ह भरना है। किसमें बड़ा का चिन्ह भरेगा, किसमें छोटा का और किसमें बराबर का चिन्ह भरेगा। तीसरा नंबर जैसे x c और ट्रिपल आई है, यहाँ खाली जगह है, इसमें लिखा हुआ है c x ट्रिपल आई, इसका अर्थ हो गया 100 में से 10 घट गया तो हो गया 90 और ये 3 जुट गया तो हो गया 93, यहाँ खाली जगह ये हो गया 100 में से c का अर्थ हो गया 100, 100 प्लस 10 और प्लस 3 ये हो गया 113। तो 93 जो है क्या है, छोटा है 113 से, इसको छोटा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक इसी ढंग से रोमन नंबर को देख करके अंक लिख लेंगे और बड़ा छोटा का पता कर लेंगे। आज इतना ही, तक अगला क्लास में हम आगे बताएंगे।